राजनेताओं की राजनीतिक कलाकारी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन रंगमंच पर अभिनय यानी कलाकारी करते हुए यदि कोई राजनेता दिखाई दे तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। पिछले 47 सालों से न सिर्फ राजनीति बल्कि रंगमंच पर भी कलाकारी कर लोगों की वाहवाही बटोर रहे हैं। रामलीला के मंच पर दशरथ कैकेयी संवाद करते ये कोई और नहीं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और काला ढूंगी के मौजूदा विधायक वंशीधर भगत हैं। अक्सर राजनेताओं को राजनीति के मंचों पर नौटंकी करते खूब देखा जाता है, लेकिन कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत पिछले 47 सालों से हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ का दमदार अभिनय करते नजर आ रहे हैं। हर साल होने वाली शारदीय नवरात्रि में विधायक वंशीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं। वही आपको बता दें कि वंशीधर भगत के मुताबिक उन्होंने अब तक अंगद, परशुराम और दशरथ समेत कई पत्रों का अभिनय भी किया था। विधायक वंशीधर भगत अब सिर्फ राजा दशरथ के पात्र का अभिनय करते हैं। वही रामलीला में राम सेवकों का एक परिवार है और वह अपने इस परिवार से अलग नहीं होना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता भी उनको इस रूप में देखना चाहती है। वहीं वंशीधर भगत ने यह भी कहा कि राजनीति मुश्किल है और रंगमंच सरल। राजनीति में टेढ़े मेढ़े इरादे सब चलते हैं, लेकिन दशरथ की भूमिका में आकर उनको राजा और प्रजा ही नजर आती है। हल्द्वानी से दीपक गुप्ता रिपोर्ट। राहें बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। कम से कम हमारे मंत्री जी को 45 साल यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई, अंगद, परशुराम। लेकिन 32 साल 33 साल से हम लोग भी माननीय विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास पाठ में हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे, एक तो हम उनके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। एक सरल स्वभाव के विधायक और मंत्री होने के कारण बड़ा सरलता से हम उनके साथ पेश आते हैं, सभी लोग बच्चों के बीच में घुल जाते हैं।